बिकॉज their प्रिपरेशन इज गोइंग एज पर देयर प्लान यू नो जब प्लान के अकॉर्डिंग चीजें होती है ना तब एक अलग ही जुनून होता है तब एक अलग ही यू you नो know, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होता है जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो रहा होता है उस दिन तो रात को आपको लगता है यार मैंने आज क्या ही कर लिया लेकिन जिस दिन टारगेट्स से अचीव नहीं होते हैं उस दिन लगता है कि यार मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ठीक है तो आई विश आई रियली विश कि आप अपने डेली टारगेट्स जो भी आप रखते हैं वो पूरे करते जाए टारगेट्स के साथ साथ आपके वीकली टारगेट्स अगर डेली हो रहे हैं तो वीकली भी डेफिनेटली हो रहे हैं और इस तरीके से बेटा टारगेट बेस्ड अगर तुम पढ़ाई करते जाओगे तो एंड तक तुम्हारा आसानी से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन पे भी आपको पूरा समय मिल जाएगा ठीक है तो कल हमने आ, एक चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑन अन अकेडमी नीच मंथन टू सीरीज में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आज उसी चैप्टर को बेटा आगे बढ़ाएंगे येस्टे वी हैड कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ अपने अमेजिंग अमेजिंग नोट्स

<coughs> हां जी रेडी हैं सब बच्चे सो स्टार्टिंग विथ टूडेज पोर्शन जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेडी ओके खोल लो बेटा अपनी अपनी कॉपीज यस yes, खोल लीजिए बेटा अपनी अपनी कॉपी हाँ जी जैसा हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था वैसा ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो तरीके के ऑर्गन्स होंगे यस yes, आपको याद होना चाहिए फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो बेटा किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ठीक है सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गन दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ठीक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होगा जो गैमीट्स बना सकता है प्लस हॉर्मोन्स रिलीज कर सकता है इन केस ऑफ फीमेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज गोइंग टू बी पेयर ऑफ ओवरी दो ओवरी बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज हैं ये दोनों ओवरीज दो काम करती हैं कौन कौन सा काम करती हैं बेटा एक तो ये गैमीट्स बनाती हैं गैमीट इन केस ऑफ फीमेल इज ओवा और द एग एंड इट्स फॉर्मेशन इज कोल्ड एज ऊ जेनेसिस इसकी फॉर्मेशन को अपने क्या बोलते हैं ओजेनेसिस दूसरा बेटा यहीं से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं सेक्स हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ठीक है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल इज गोइंग टू बी पेयर ऑफ ओवरीज बाकी का बेटा जो बचा हुआ है बचा हुआ क्या क्या है आपके पास आ जाएगी ओविडक्ट ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब ठीक है ट्यूब ओवीडक्ट के बाद बेटा आपके पास आ जाएगा सिंगल यूट्रस यूट्रस के बाद आ जाएगा सर्वेक्स वजाइना एक्सटर्नलिया एक्सटर्नलिया मैमरी ग्लैंड और क्या आ जाएंगे बेटा यहां पर मैमरी ग्लैंड ये कुछ एक्सेसरी ग्लैंड है मैमरी ग्लैंड क्या है दीज आर द एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल्स

चलिए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव तो 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 सिस्टम में सबसे पहले बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यस सो दीज आर बेटा जी द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये जो मैंने आ, ग्रीन कलर से बनाया मैं एक ही साइड का पूरा बनाऊंगी दूसरी साइड वुड भी सिमिलर टू दिस वन यस देख रहे हैं दूसरी साइड पर ही बेटा वही चीज़ प्रेजेंट होगी ओके okay. हाँ जी सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल इज गोइंग टू बी द पेयर ऑफ ओवरीज एक ओवरी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है दूसरी ओवरी बेटा इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगी तो ये जो सिंगल ओवरी है इसी के अंदर गैमिट्स बनेंगे इसी के अंदर आपका सेक्स हॉर्मोन्स भी रिलीज होंगे सो दीज आर pair ऑफ ओवरीज ये एक ओवरी मैंने यहाँ पर दिखा दी है राइट वाली देन बेटा ओवरी से चालू होती है एक डाक्ट येस देर इज अ डाकट एंड दिस डाट इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब इस डक्ट का बेटा जी क्या नाम है फेलोपियन ट्यूब ठीक है फेलोपियन ट्यूब को आप लोग क्या बोल सकते हो ओवा कैरिंग डक्ट और ओवी ओवा को कैरी करने वाली डक्ट और ओवी डक्ट अब अगर ध्यान दोगे तो बेटा इस फेलोपियन ट्यूब में आपके पास थ्री पार्ट है ठीक है सबसे पहला पार्ट ये द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब यस ये देन बेटा ये मोटा सा पार्ट तीसरा एंड ये पतरी सी गली तीसरा पार्ट ठीक है फर्स्ट पार्ट देन सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्टे जो फर्स्ट पार्ट है जिसके आगे की साइडर लाइक स्ट्रक्चर है सबसे पहले तो बेटा इस फिंगर लाइक -like स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओवा -like जो ओवा बेटा ओवरी ने बनाया है उस ओवा को ऊपर लेके जाना कैप्चर करना किसका गांव है फिम्ब्रिय का फिम्बरी के बाद चालू होती है आपकी ओविडक्ट ओवीडक में जो फर्स्ट पोर्शन नंबर वन नंबर वन इज कॉल्ड एज इन फंडीबुलम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर वन पोर्शन इज कॉल्ड एज इन फंडिबुलम विच इज क्लोजेस्ट टू द फिम्बरी ठीक सेकेंड बेटा ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जहां पर वाइड पार्ट है कल सिखाया था कहीं भी वाइडर पार्ट आ जाए बॉडी में बहुत जगह आता है कहीं भी बेटा जी वाइडर पार्ट आ जाए चौड़ा रीजन आ जाए यू uh, नो you know, मोटा सा पोर्शन आ जाए उसको तुम क्या बोलते हो दैट वाइडर पार्ट इज कॉल्ड एज एम्फ्यूला दैट वाइडर पार्ट इज कॉल्ड एज एम्फ्यूला ठीक है देन एम्प्यूला के बाद बेटा ये पतली सी गली निकलती है इस गली का नाम है इस्थमस इसका क्या नाम है बेटा जी इस्थमस तो तीन पार्ट्स होंगे फेलोपियन ट्यूब के इन फंडिबुलम इस्थमस अगर तुम फॉलो करोगे डायरेक्शन ये वाली ठीक है लेकिन अगर आप ये वाले डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो पार्ट्स का ऑर्डर क्या रहेगा इस्थमस एम्पुला एंड इन्फन्डेबुल ठीक है सो so डायरेक्शन आपको ध्यान देनी है डायरेक्शन के बेसिस पे आपको सवाल आ सकता है कि इफ यू गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन और अवे फ्रॉम द यूट्रस तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे अब ओविडक्ट किस चीज के लिए फेमस है बेटा ओविडक्ट इज एक्चुअली अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स आकर मिलते हैं सो so यहाँ पर क्या होती है फर्टिलाइजेशन होती है अगर ध्यान दिया जाए तो इन तीनों में से कहाँ फर्टिलाइजेशन होती है इन तीनों में से बेटा अगर देखेंगे तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी दिस वन नंबर टू पार्ट दैट इज एम्प्यूला एम्प्यूला एक वो जगह है जहां पर जब स्पर्म पहुंचते हैं और जब ओवा पहुंचता है आपस में बेटा अप्रोप्रिएट कंडीशन होती है आपस में ये लोग फ्यूज कर जाते हैं और क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गोइंग टू बी एम्प्यूला अब इधर वाले एम्प्यूला में भी हो सकता है इधर वाले में भी ठीक अब यहां पर नीचे आ जाते हैं नीचे आएंगे तो बेटा ये उल्टा नाशपति काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नाशपति पता है ना पियर That इज नाशपति है ना खाई भी होगी आजकल तो सीजन नहीं है बट ये सती है ये जो उल्टा नाशपति काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस इसका क्या नाम है बेटा जी दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोम्ब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्टेरा ये सारे नाम यूट्रस के ही हैं वूम भी बोल सकते हो इसको हिस्टेरा भी बोल सकते हो अब यूट्रस के बेटा आगे तीन हिस्से हैं दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस विच इज कॉल्ड एज फंडस जिसको अपने लोग बोलते हैं फंडस ये बीच का हिस्सा इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूट्रस विच इज कॉल्ड एज द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस देन तीसरा बेटा ये जो नीचे आते हैं ये जो नैरो पार्ट है ये यूट्रस का ही है बेटा क्योंकि मैंने इसको येलो कलर से ही दिखाया है तीसरा एंड द नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स तो सर्विक्स कुछ नहीं से हो होगा यूट्रस के फंडस ऊपर वाला बीच वाला बॉडी और ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा सर्विक्स सर्विक्स के बाद बेटा ये बाहर की ओपनिंग है ठीक है दिस इज द होल थ्रू विच यू नो आ,

आवाज आ रही है मैं कैसे ब्लॉक हो गई हूं हाउ इज दिस पॉसिबल लेट मी चेक लेट मी चेक ओके अब देखिए यस नाउ टेल मी अब बताइए यस नाउ टेल मी बड़ी अजीब सी जगह बेटा रुक गया था इट वॉज वेरी फनी इट वॉज वेरी फनी बट आई गेस आई गेस आपको दिख रहा था मतलब यू आर सी होल पीपीटी आपको ये सारे दिख रहा था और आवाज भी आ रही थी आवाज आ रही थी yes. आवाज आ रही थी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर कैमरे ने मुझे रोक दिया था इट्स लाइक like कि मैम मैम की फ़ोटो लगी है पीछे सेशन चल रहा हूँ पूरा सेशन सोचो ऐसे पढ़ा देती बर्थ कैनॉल ये है पेंसिल चल रही है मैम पता नहीं कहाँ है ओके 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 आवाज़ आ रही थी चलो ठीक है दे आए दुरुस्त आए सही हो गया आप सब हाँ जी तो अब एक एक पार्ट को डिटेल में करें एक एक पार्ट को बेटा डिटेल में करें स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट जो कि बादामी है देखो यहाँ पर ना बड़ा सारा कुछ फ्रूट्स पे नेम्ड uh, है जैसे ये अपना इन्वर्टेड पियर कौन है इन्वर्टेड पियर है अपना यूट्रस ये बादामी कौन है ऑलमंड शेप ऑलमंड शेप अपनी क्या है ओवरी ओवरी आप मानोगे नहीं बेटा ओवरी इज एक्चुअली लाइंग इन द एबडोम ऐसे पड़ी है ठीक है अटैच टू द वॉल ऑफ पेल्विक वॉल विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स ठीक है तो वन बाय वन बेटा इसके पार्ट्स करते हैं सबसे पहले अपने लोग स्टार्ट करते हैं ओवरी से ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ठीक है सॉलिड स्ट्रक्चर है इट इज अड स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द ओवरी इज ऑलमंड शेप वेरी इंपॉर्टेंट कैसी है बेटा अपनी ओवरी ऑलमंड शेप है नाउ इच ओवरी इज अटैच टू द वॉल बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज कॉल्ड एज मीजो अब देखो डॉर्सल वॉल यही होती है बॉडी की वॉल से अटैच है कैसे पेरिटोनियम की हेल्प से एंड दैट इज कॉल्ड एज मीजोवेरियम सो इट इज अटैच अटैच टू डॉर्सल वॉल बाया मीजोवेरियम विच इज अ फोल्ड ऑफ पेरीटोनियम ठीक है मीजोवेरियम से अटैच है अब ओवरी बेटा यूट्रस की वॉल से भी जुड़ी हुई है इधर ध्यान दो यार ओवरी पीछे की वॉल से भी जुड़ी होगी वो तो मैंने बता दिया पेरिटोनियम से जुड़ी हुई है मीजोवेरियम ये ओवरी बेटा भी यहां ध्यान दोगे यूट्रस से भी तो जुड़ी हुई है. है ना ये जो मैंने छोटा सा क्या बनाया है बेटा यूट्रस से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स ठीक है सो so, ओवरी इज अटैच टू यूट्रस एज वेल ज अटैच्ड टू यूट्रस विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट राइट बेटा जी सो so, दो जगह से बेटा ओवरी कनेक्टेड है पीछे भी और आपके यूट्रस से भी कनेक्टेड है राइट right? जैसा आपके टेस्टिस के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू की शीत थी बताइए वो कनेक्टिव टिश्यू की शीत क्या है यस प्लीज टेल मी आपके टेस्टिस के अ वॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्लीज टेल मी दैट कॉल्ड एज हाँ जी क्या नाम था दैट शीथ वॉज कॉल्ड एस कौन बोल रहा है टेस्टिस खड़े हो जाए वो बच्चे हाँ जी बिल्कुल सही गुबर नैकलम वाले बच्चे बेटा अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाए मीठी बेटा कहाँ हो

ये बेटा जी मैंने क्या बनाया है ट्यूनिका एल्बुजीनिया यस yes, ट्यूनिका एल्बुजीनिया इज सराउंडेड बाय जर्मिनल एपिथेलियम ये जो येलो कलर से है ये जर्मिनल एपिथेलियम है तो ध्यान रखेंगे फीमेल का जर्मिनल एपिथेलियम ट्यूनिका एल्बुजीनिया से बाहर वाली साइड पर होता है ठीक है सो दिस वन इज द जर्मिनल एपिथेलियम ठीक, ठीक आप आज भी उतने बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे बेटा, मैं उम्मीद करती ठीक है, है, साथ ही में ये जो attachment point है, this is having ligaments. यहां पर क्या है बेटा जी ligaments है. अब बेटा ओवरी के अंदर जितना भी ये सामान है देख रहे हो ये सारा एरिया दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा क्या बोलोगे बेटा द होल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा तो ये सारा स्ट्रोमा है स्ट्रोमा का जो बाहर वाला हिस्सा है यानी कि ये वाला जो बाहर बाहर आउटर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा दिस आउटर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज कॉल्ड एज कॉटेक्स पेरिफ्रल रीजन है पेरिफ्रल रीजन को क्या बोलते हैं देन बेटा कॉटिक्सा इनर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज कॉल्ड एज ऐसा आपने किडनी में भी देखा है ऐसा आपने एड्रीनल ग्लैंड में भी देखा है कि जो बाहर का हिस्सा होता है जो पेरीफ्री होती है वो कौन बनाता है कॉटेक्स और जो अंदर वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज मिड्यूला यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओवेरियन स्ट्रोमा हैज टू पार्ट्स राइट ओवेरियन स्ट्रोमा में देखें तो पेरीफेरल पार्ट कौन बना रहा है पेरीफेरल पार्ट इज कॉल्ड एज कॉटिक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला भैया कॉटिक्स और मेड्यूला में अलग अलग चीज़ें हैं अगर मैं बात करूँ बेटा इस कॉटिक्स में कॉटिक्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल मेचोर हो रहे हैं कॉटेक्स के अंदर क्या हो रहा है बेटा ओवेरियन फॉलिकल्स दे आर मेच्योरिंग प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी सेकेंडरी से टोर्चरी टोर्चरी से मेच्योर ग्राफियन और फिर जाकर आपका यू नो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है ये सब फॉलिकल वाला काम कहां पर हो रहा है कोने पे हो रहा है तो बीच में क्या हो रहा है बीच में क्या हो रहा है बेटा बीच, बीच वाले हिस्से में ब्लड वेसल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू है, है फाइब्रस शीत है ये सारी चीजें लिगामेंट्स हैं ये सब बीच में आपके प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स हैं तो लिख लेते हैं बेटा यहां पर प्रेजेंट होंगे फॉलिकल्स यहां पर प्रेजेंट होगा सीटी सीटी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू बीवी यानी कि ब्लड वेसल लेगाट्स ठीक तो बना ले तो देअर वुड बी मेनी प्राइमरी फॉलिकल इन वन ओवरी प्राइमरी फॉलिकल कोई एक बेटा किसी एक महीने में च्योर होकर क्या बना लेगा सेकेंडरी फॉलिकल देन सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे और क्या बना लेंगे टर्शरी फॉलिकल देन टर्शरी फॉलिकल, फॉलिकल बेटा थोड़े और मेच्योर हो जाएंगे क्या बना लेंगे मच्योर ग्राफियन फॉलिकल देन यहाँ से क्या होगी बेटा इनकी ओव्यूलेशन होगी ओव्यूलेशन के बाद ये लोग बना लेंगे एक ब्राइट येलो बॉडी एंड द ब्राइट येलो बॉडी इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम भी रिग्रेस करके एक वाइट बॉडी बना लेगा एंड द वाइट बॉडी इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स ये सारा काम आपका पेरीफ्रल रीजन में ही हो रहा है तो ये सब कॉटेक्स पे हो रहा है क्या क्या हुआ सबसे पहले बेटा अपने पास आया प्राइमरी फॉलिकल दिस वन इज प्राइमरी प्लीज प्राइमरी को मैं वन डिग्री लिखूंगी समझ जाना दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी फॉलिकल माइंड इट बेटा ये फॉलिकल है ये एग नहीं है एग फॉलिकल के अंदर बनता है ठीक है फॉलिकल के अंदर एग होता है फॉलिकल एग नहीं होता है यह चीज ध्यान रखिएगा देन बेटा सेकेंडरी फॉलिकल से अपने पास क्या बना टर्शरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल से अपने पास क्या बना मच्योर ग्राफियन फॉलिकल यही मच्योर ग्राफियन फॉलिकल है जो कि क्या करता है ओविलेट करके सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकालेगा देन जो अपने पास येलो बॉडी बनी है दिस येलो बॉडी इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम जब भी वर्ड बेटा ल्यूटियम आ जाए ल्यूटिया ल्यूटियम येलो वो येलो है जैसे ल्यूटिया मैक्यूलाइज में दैट इज येलो ठीक है देन अगला जो आपकी कलर की बॉडी बन रही है दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स कॉर्पस एल्बिकन्स राइट बेटा जी तो ये बात हो गई आपके ओवरी के सेक्शन ऑफ द ओवरी अपने ने यहां पर ट्रांसफर सेक्शन ओवरी का किया है ठीक है क्लियर है जी, yes. चलिए अब क्या हम इन का पहले 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 कर लें या पहले सारा ओवरी, पहले आपको सारा सिस्टम करा दें फिर मैं आपको एंड में कराती हूँ उसके लिए जरूर वेट करिएगा कि इस फॉलिकल्स में एक्चुअली है क्या प्राइमरी में क्या है सेकेंडरी कैसे बना टर्शरी प्राइमरी में अंतर क्या है ठीक है ये मैं आपको अंत में कराती हूँ अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलिकुलर जेनेसिस अभी अपने क्या करते हैं अभी अपने अगला पार्ट पढ़ते हैं अगला पार्ट इसका कौन सा आएगा ओवरी का सेक्शन कर लिया ओवरी यहाँ पर सेकेंडरी यूसाइड बना के किसको भेजना है फेलोपियन ट्यूब को भेजना है तो फेलोपियन ट्यूब देख लें फेलोपियन ट्यूब के आगे ऐसे कप टाइप स्ट्रक्चर है इस कप टाइप स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं फिम्बरी बोलते हैं फिम्बरी बेटा एक्चुअली में ऐसा दिखता है मैं यहीं पर बना देती हूँ फिम्बरी ऐसा दिखता है बेटा एक्चुअली में ऐसा दिखता है ठीक है इसके सेंटर में एक छेद होता है

मान लो बेटा यहाँ तक आपका सेकेंडरी व्यू आ गया वन तक ये सेकेंडरी उठ कैसे चल के नंबर टू तक आएगा सोचिए हाँ जी ये सेकेंडरी उठ कैसे चल के नंबर टू तक जाएगा ऊसाइट के पास ना सीलिया है ना फ्लैजिला है बेचारे के पास कौन इसको लेकर जाएगा कैसे धक्का लगाएं इसको बेटा ये तो इमोटाइल है दिस इज नॉन मोटाइल गैमीट कैसे पहुंचाएं इसको इस जगह तक कम से कम इस जगह तक तो लेके जाना ही है आगे तो चलो सोचेंगे बट यहाँ से यहाँ उठाकर कैसे लेकर जाएं यस बताइए बेटा यहाँ से यहाँ उठा कर लेके yes, ले जाने के लिए ये जो फेलोपियन ट्यूब की वॉल है ना द वॉल हैज़ गॉट द एपिथीलियम विच हैज़ गॉट सीलिया यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट है ठीक है ये सीलिया की वजह से आपका सेकेंडरी यूसाइट मूव करके आता है यानी कि द वॉल ऑफ फिलोपियन ट्यूब इट हैज सीलिएटेड एपिथीलियम जिसकी हेल्प से आपका सेकेंडरी यूसाइट यहाँ पर ट्रैवल कर पाता है यस yes, और साथ में इसी वॉल के पास स्मूथ मसल्स भी हैं क्या क्या हैं एक तो बेटा सीलिया है सो देयर इज सीलिएटेड एपिथेलियम ठीक है साथ ही में बेटा स्मूथ मसल्स भी हैं जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से भी आपका ऊसाइट यहाँ से आगे मूव करता है तो सिलिएटेड एपिथेलियम है प्लस स्मूथ मसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है ओके गाइस पता चल गया अब आ जाता है बेटा आपका ऊसाइट उठ के यहाँ पर आ गया यूट्रस में मान लो प्रेगनेंसी हो गई यहां पर बेटा खुशखबरी आ गई कि जो स्पर्म है उसको ओवा मिल गया है या फिर मैं बोलूँ ओवा को स्पर्म मिल गया है तो यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी प्रेग्नेंसी जाइगॉट बन गया ये जयगॉट उठ के बेटा एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो बन के यहाँ नीचे आ जाएगा ठीक है एम्ब्रियो विल कम डाउन एंड अब बेटा एम्ब्रियो ऐसे थोड़ा पड़ा रहेगा सेंटर में ऐसे सेंटर में पड़े रहकर तो कोई ग्रोथ नहीं है ये जो एम्ब्रियो बना है इट विल अटैच इट सेल्फ टू द वॉल स की साइट है यूट्रस इज द साइट वेयर इम्प्लांटेशन प्लांटेशन टेक्स प्लेस क्या होती है यहाँ पर इम प्लांटेशन होती है यहां पर, पर आकर आपका एम्ब्रियो चिपक जाता है ठीक है इससे

ज इन्वर्टेड प्यर यूट्रस उल्टा नाशपति ठीक है यूट्रस की बेटा जो वॉल है उसमें सबसे आउटर मोस्ट वॉल इज लाइक दिस दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल विच इज कॉल्ड एस पेरीमेट्रियम इनर टू पेरीमेट्रियम वी हैव स्मूथ मसल्स वी हैव लॉट्स ऑफ मसल ये सारी क्या है आपकी मसल है दिज मासल्स आर कॉल्ड एज मायोमेट्रियम ठीक है डिज मासल्स आर कॉल्ड एज मायोमेट्रियम सबसे अंदर वाली साइड बेटा यहाँ पर एक ग्लैंडुलर और ब्लड वेसल्स से सहित बहुत ही सिक्रिटरी लेयर है मोटी लेयर है सबसे एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम ठीक है जो कि एक लेयर है टूटती रहती है बनती है टूटती है बनती है फीमेल में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का मतलब है ये लेयर टूटेगी ब्लड निकलेगा फिर बाकी के समय पे बनेगी फिर दोबारा टूटेगी फिर बनेगी तो इट इज ए टेम्पररी लेयर सो देर आर थ्री लेयर्स इन वॉल ऑफ यूट्रस फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पेरी मेट्रियम सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मायो मेट्रियम इस मायोमेट्रियम में बेटा क्या प्रेजेंट होंगे स्मूथ मसल अब सोचने वाली बात आती है क्या ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है या फिर मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है हां जी बताइए क्या ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है या फिर मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है कौन बताएगा हाँ जी मैं हिंट दे देती हूँ सिंगल यूनिट स्मूथ मसल इज द वन विच कॉन्ट्रैक्ट एज ए सिंगल यूनिट जो सारी मसल इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट करेगी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल इज द वन विच विल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली सेपरेटली का मतलब है कुछ कभी इधर कॉन्ट्रैक्ट कर गया इधर रिलैक्स कर गया फिर कॉन्ट्रैक्ट कर गया फिर रिलैक्स बताओ अब बताओ अब आंसर बदल जाएंगे तुम्हारे हाँ जी अब तुम्हारे आंसर बदल जाएंगे मल्टी यूनिट है मतलब मल्टी यूनिट वाले ये कहना चाह रहे हैं कि जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन का समय आएगा देखो बेटा इसने मेनली कॉन्ट्रैक्ट करना है जब बच्चे का जन्म होना है यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी तो तुम कहना चाह रहे हो कि डिलीवरी के वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये रिलैक्स हो जाएगा या फिर चलो उल्टा ये रिलैक्स हो रही है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे हो सकता है इकट्ठे काम होगा डिलीवरी के वक्त पूरे यूट्रस के अराउंड जो आपकी मायोमेट्रियम है वो इकट्ठी कॉन्ट्राक्ट करेगी आधा आधा काम नहीं होता है सो इट इज गोइंग टू बी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल अगर मेरे से एनिमल टिश्यू पढ़ा होता तो आज तुम्हारी ये अवस्था ना होती हां जी, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है ठीक है इट इज नॉट मल्टी यूनिट स्मूद मसल ठीक यस हां जी उसके बाद बेटा द इनर मोस्ट लेयर दिस वन दिस इज द ग्लैंडुलर लेयर विच इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की क्या खास बात है कि ये एक ग्लैंडुलर लेयर है ये बहुत ज्यादा ब्लड वेसल वाली वास्कुलर लेयर भी है यानी कि यही वो लेयर है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी है यही वो लेयर है बेटा जो पीरियड्स के वक्त ब्रेकडाउन होती है मतलब फीमेल की बॉडी में जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है जिस फीमेल की बॉडी में स्पॉम्स नहीं है उस फीमेल की बॉडी में हर महीने ये बनेगी क्यों बनेगी इस उम्मीद में बनेगी कि शायद स्पर्म आएंगे शायद एम्ब्रियो बनेगा शायद बेटा मुझे एम्ब्रियो से अटैच होने की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर स्पर्म नहीं आए तो एम्ब्रियो नहीं बना तो इसका मेहनत वेस्ट तो ये सारी लेयर टूटती है अब इसमें ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल टूटेंगी टूटेंगी तो बेटा टूटेंगी तो, तो बेटा ये सब कुछ नीचे आ जाएगा ये सब कुछ बॉडी से बाहर जाएगा एंड दैट रिलीज इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल पीरियड ठीक यस क्लियर हो गया हाँ जी अब क्या ये बेटा सारी टूट जाती है सोचने वाली बात है क्या सारी की सारी एंडोमेट्रियम टूट जाती है नहीं बेटा इसमें एक ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राटम फंक्शनालिस और एक बेस वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राटम बेसालिस जो फंक्शनैलिस होती है बेटा वो टूटती है जो बेसालिस है वो हमेशा रहेगी पूरा गायब नहीं करते हैं इसको इट हैज टू पार्ट्स लेट मी राइट ओवर हेयर सो अगर मैं एंडोमेट्रियम के देखूँ एंडोमेट्रियम का आउटर वाला हिस्सा अलग है इनर वाला अलग है बाहर वाला ही टूटता है आउटर एंड द इनर आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्राटम फंक्शनलिस यानी कि बेटा ये बेसैलिस है ठीक है ये इनर पार्ट है ये हमेशा रहेगा ये डिवाइड करेगा और फंक्शनलिस बनाएगा और ये जो बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा फंक्शनालिस ये हर महीने टूटेगा सो दिस इज द टेम्पररी पार्ट वाइल दिस इज द परमानेंट पार्ट परमानेंट पार्ट यस बेटा हां जी बिल्कुल ऐसे समझ लो यार बेसालिस बेस पे होगा बेस पे होगा तो ये सेल डिवीजन एक्चुअली में करेगा तो ये तो रहेगा ही रहेगा नहीं तो फंक्शनलिस कैसे बनाएंगे देखो मायोमेट्रियम डिवाइड करके एंडोमेट्रियम तो नहीं बना सकती है कि तुम सोचो कि तुमने सारी फेंक दी और तुम मसल को कहो कि मसल तू बना ले मसल नहीं बना सकता बोथ आर सेपरेट टिश्यूज तो इस टिश्यू का हमें कुछ तो रखना पड़ेगा जो आगे सेल डिविजन करके फंक्शनालिस हर महीने बनाएंगे राइट बेटा हाँ जी क्लैरिटी हो गई हाँ जी क्यों हंसने वाली इमोजी लगाओ अवतार तुमने खुद तो कुछ पढ़ना नहीं है श्रेया को भी नहीं पढ़ने देना क्यों हाईलाइट होना है हंसने वाली इमोजी लगाओ तब तो जाके हाईलाइट होगी भैया किस लिए किस किस को हाईलाइट होना है और क्यों होना है एक तो यार तुम्हारा नाम वैसे अवतार मेरी बॉटल भी रह गई है हाँ जी <laughs> यस मिस्टर आवता और अब कोई लाग नहीं है ठीक है कोई लाग नहीं है हाँ जी मुझे लग रहा है सब ने हंसने वाली इमोजी लगा ली सब हाईलाइट हो गए हैं यहां पर सब हाईलाइट चल रहा है इस टाइम पे ठीक ये लीजिए ये लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए चलिए अब अगला हिस्सा करते हैं नेक्स्ट पार्ट यूट्रस में आपको पता चल गया यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड द जेस्टेशन पीरियड यूट्रस के अंदर ही बच्चे की नौ महीने की जो ग्रोथ होती है जो जेस्टेशन पीरियड है वो यहीं बीतता है सो इट इज़ द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन प्लस जेस्टेशन पीरियड भी यहीं होता है यानी कि बच्चे का जो ग्रोथ का पीरियड है वो भी यहीं पर होता है राइट right, बेटा जी ओके okay. हाँ जी अगला हिस्सा करें नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी हाँ जी अगला हिस्सा कौन सा होगा यूट्रस का ही मैं लास्ट पार्ट बताऊंगी दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स एंड विजाइना एक साथ इकट्ठा करते हैं सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस लास्ट टू पार्ट्स विच आर सर्विक्स एंड विजाइना सर्विक्स एंड विजाइना देखिए सर्विक्स आप जानते हैं नीचे वाला हिस्सा है इट इज द नेक ऑफ यूट्रस ठीक सर्विक्स और विजाइना विजाइना आउटर मोस्ट ओपनिंग इट्स अ नैरो स्ट्रक्चर जहां पर स्ट्रेटिफाइड नॉन केरेटेनाइज एपिथीलियम प्रेजेंट होगा सो द टाइप ऑफ एपिथीलियम इज गोइंग टू बी स्ट्रेटिफाइड क्योंकि ये बाहर के कॉन्टेक्ट में है नॉन करेटेनाइज नॉन केरेटेनाइज क्योंकि बेटा ये लिक्विड वेट एरिया ये वेट एरिया है नॉन करेटेनाइज स्क्वामस एपिथीलियम क्वामस एपीथेलियम स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीलेयर मल्टीलेयर की अपने को वहां जरूरत पड़ती है जो बाहर के कॉन्टैक्ट में ठीक है करेटेनाइज वहां होता है जो ड्राई एरिया होता है जैसे अपनी स्किन है दिस इज करेटेनाइज क्योंकि ड्राई है लेकिन वजाइना इज नॉट ड्राई वजाइना इज अ वेट एरिया तो वहां पर क्या रहेगा इट इज नॉन करेटेनाइज कॉमस एपिथेलियम और सर्विक्स क्या है सर्विक्स इज प्रेजेंट इन द नेक ऑफ यूट्रस ठीक है विजाइना जो है विजाइना इज अ एरिया थ्रू विच बर्थ ऑफ द बेबी आउकर साथ ही में विजाइना हैज़ अ कैनॉल विच इज कॉल्ड एज वैजिनल कैनॉल ये जो वैजिनल कैनॉल है इसी के थ्रू कॉपुलेशन के द्वारा जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है दैट इज पीनस पीनस विल रिलीज इट्स गैमिट्स इट्सपर्म्स इन टू द वजाइना ओनली यानी कि विजाइना में क्या सिचुएटेड है वेजाइना के अंदर क्या प्रेजेंट है कॉप्यूलेटरी कैनॉल प्रेजेंट है यानी कि ये विजाइना ही है जिसमें स्पॉम्स कलेक्ट होंगे ड्यूरिंग इनसेमिनेशन तो इसीलिए कॉपुलेशन सिंस वेजाइना में होती है इसीलिए इसको बोला जाता है कॉप्युलेटरी केनॉल लेकिन ये तो बात थी कॉपुलेशन की अगर बात करें बच्चे के बर्थ की तो बर्थ सिर्फ वेजाइना से नहीं होता है बर्थ सर्विक्स और वजाइना दोनों से होता है इसीलिए इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे बर्थ कैनॉल। तो ये अंतर बेटा सब बच्चे याद रखें वजाइना अलोन सर्व्स एज अ कॉपुलेटरी कैनाल व्हाइल सर्विक्स एंड वजाइना दे बोथ टुगेदर सर्व्स एज द बर्थ कैनाल ठीक है यस दे टुगेदर सर्व्स एज द बर्थ कैनाल अब बेटा ये जो वजाइना है ना वजाइना के अंदर एक्चुअली देर आर नो ग्लैंड देर आर नो ग्लैंड बड़ी हैरानी की बात है कि हाँ ये वेट तो लग रहा है बट देर आर नो ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ द वेजाइना ठीक है कोई भी ग्लैंड नहीं है अब जो ओपनिंग है वेजाइना की जैसे मैं आपको ऊपर दिखाऊं अगर ऊपर चलें तो बेटा ये वेजाइना है वेजाइना की जो ओपनिंग है द ओपनिंग ऑफ द इज गोइंग टू बी कवर्ड बाई मेम्ब्रेन इसके ऊपर बेटा एक झिल्ली टाइप एक मेम्ब्रेन होती है बहुत पतली सी जिसमें पोर्स होते हैं ठीक है जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है उस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमन यस वेजाइनल ऑरिफिस ऑरिफिस मतलब छेद वेजाइना के आगे जो छेद है दैट इज कवर्ड बाय अ हाइमन परफोरेटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हो हाइमन बोलते हो अभी हाइमन है बेटा टूट सकता है बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है जो टूट सकती है कब कब टूट सकती है देखिए कोई अभी अगर कभी भी फीमेल बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रही है साइकिलिंग बहुत करती है या हॉर्स राइडिंग करी हॉर्स राइडिंग करते वक्त साइकिलिंग करते वक्त एक्सरसाइज करते वक्त टैम्पोन्स इंसर्ट करते वक्त या फिर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के वक्त ये हाइमन टूट सकती है पहले के ज़माने में यस पहले के ज़माने में बेटा ऐसा सोचा जाता था कि हाइमन पता कब टूटती है हाइमन टूटती है वेन एवर यू नो अ फीमेल हैज फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स तो हाइम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन बोला जाता था कि अगर हाइमन प्रेजेंट है दैट मीन्स अ फीमेल इज वर्जन अगर हाइमन नहीं है दैट मीन्स फीमेल इज नॉट वर्जन जो कि बिल्कुल गलत है क्यों जैसा कि मैंने आपको भी बताया इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाइमन सेक्सुअल इंटरकॉर्स में ही टूटे हाइमन हो सकता है सेक्सुअल इंटरकॉर्स में ना टूटे ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो गया बट हाइमन डज नॉट ब्रेक दूसरा इट कैन ब्रेक बिफोर इंटरकॉर्स ड्यूरिंग साइकिलिंग ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग ड्यूरिंग यू नो एनी काइंड ऑफ जॉल्ट झटका लगे और इंसर्शन ऑफ द टेम्पोन्स सो क्या प्रेजेंस ऑफ हाइमन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जेनिटी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते बेटा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जेनिटी आप उसकी होने से या नहीं होने से ये नहीं बता सकते हैं कि फीमेल वर्जन है या फिर नहीं है तो पहले के ज़माने में जो बोला जाता था वो बिल्कुल गलत है वो बिल्कुल बेटा जी गलत है तो लिख लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइमन इज द परफोरेटेड मेम्ब्रेन परफोरेटेड मेम्ब्रेन परफोरेटेड मेम्ब्रेन कवरिंग वोजाइनल ऑरिफिस ऑरिफिस दिस हाइमन कैन ब्रेक कब कब ब्रेक हो सकता है ये देखिए मैं भी हटूंगी तो सब दिख जाएगा दिस हाइमन बेटा इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग साइकिलिंग इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग हांजी और कैसे टूट सकती है इट केन ब्रेक ड्यूरिंग टैम्पोन इंसर्शन टैम्पोन इंसर्शन इट कैन ऑल्सो ब्रेक ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ जॉल्ट कोई झटका लग जाए और इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट कोई भी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हो उस टाइम भी हाइमन टूट सकती है इसी वजह से बेटा प्रेजेंस और हाँ एक्सरसाइज भी लिख लो यस uh, yes, यहां पर लिख देती हूँ यस एक्सरसाइज ऑल्सो दैट इज वाई बेटा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जेनिटी हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ये लाइन हर बच्चा याद रखेगा और ये जानते हुए अगर कोई आपके सामने ऐसी बात भी कर दे तो उसको एजुकेट भी करेगा बेटा ये आपका काम होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पता है है ना आपको कोई चीज पता है तो आप साथ वाले लोगों को एजुकेट भी करिए कई बार ऐसा होता है कि यार यू you नो know, जैसे वही बात है कि आ, लड़के आ, अगर किसी घर में लड़की का जन्म हो जाए तो हम किसको ब्लेम करते हैं हम लड़कियों को ही मदर को ब्लेम कर देते हैं बट बींग अ साइंस स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि यार इट वॉज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ मदर क्योंकि मदर के पास तो एक्स एक्स ही है ये तो फादर की वजह से हुआ है फादर से अगर एक्स आएगा तो गर्ल होगी फादर से अगर वाई आएगा तो मेल होगा ये सब जानते हुए भी ये तुमको एट्थ क्लास से सिखाया जा रहा है आज की बात नहीं है ये आपको बेटा एट्थ क्लास से सिखाया जा रहा है ये जानते हुए भी हम बोल नहीं पाते हैं हमारे सामने चीज़ें हो रही होती हैं कई बार हमारे यू नो एल्डर्स ऐसी बातें बोल देते हैं बट हम बोल नहीं पाते हैं सो आई वॉन्ट कि यार हम एजुकेट तो हो रहे हैं नीट क्रैक करना इज़ अ सेपरेट थिंग बट ये जो हमें नॉलेज मिल रही है इस नॉलेज को हम यूज़ भी करें अगर हम कहीं भी ये चीज़ें गलत होती हुई देखते हैं आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए चाहे आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो चाहे आपके सामने कोई एल्डर ही क्यों ना हो चाहे आपके सामने आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो जो गलत है वो गलत है ठीक है यस, yes. ठीक चलिए तो ये बात हो गई सर्विक्स एंड वेजाइना की अब बात करते हैं बेटा एक्सटर्नल जेनेटेलिया ठीक है मूविंग ऑन टू द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा ठीक है तो ड्रॉप करें एक्सटर्नल जेनेटिलिया <laughs> बिल्कुल हरी बा, हरी बाला अरे वाला आप जो अटेंड करना चाहें वो अटेंड कर सकते हैं अगर आप टेंथ में हैं नाइन्थ में हैं एनी वन केट अटेंड दिस क्रैश कोर्स समझ आने पे बेटा कुछ बच्चे जो ट्वेल्थ में होते हैं उनको क्रैश कोर्स समझ नहीं आता कुछ बच्चे टेंथ में होते हैं वो क्रैश कोर्स समझ जाते हैं तो बेटा ये नहीं कह सकते कि टेंथ वाले के लिए ये बना है और ड्रॉपर के लिए ये बना है बच्चे की समझ समझ पे है तुमको अगर ये समझ आ रहा है तो बिल्कुल अटेंड करो नहीं आ रहा तो बेटा दो साल बाद अटेंड कर लेना जब तुम ट्वेल्थ में हो जाओ तब समझ आ जाएगा नहीं भी आएगा तो समझना पड़ेगा ज़बरदस्ती समझना पड़ेगा ओके यस हाँ जी करें यस yes. चलिए आ जाइए बेटा ये जो बच्चे हैं ना जिनको वो नहीं आ रही है यू you नो know? क्या है ये कौन है ये हाँ एक तो बेटा ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने नाम से कुछ नहीं बोलेंगे अपने नाम से बेटा कुछ नहीं बोलेंगे फ़ोटो लगाएंगे लड़कियों के ठीक है बिकॉज इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड नाम भी किसी और का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर आकर ऐसे सवाल पूछेंगे जो मैं ये नहीं कहूँगी कि रेलिवेंट नहीं है बिल्कुल यार आपको जानना चाहिए पता होते हुए भी हम वो एक पोर्शन की तरफ घूमते रहे यू you नो know, ये बड़ी वो बात हो जाती है कि इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ पा रही है कि अपनी इस एनर्जी को कहाँ यूज़ करें ये वो बच्चे हैं जिनके पास एनर्जी खूब है बट उनको पता ही नहीं चल रहा कि यार मैं जिंदगी में क्या करूँ चल यार क्लास में चलता हूँ स्पैम करता हूँ इसके लिए बचे आई ये बस क्लास में चलता हूँ स्पैम करता हूँ बेटा अगर तुम मेरी क्लास में आयो या मेरी क्लास तुमको दिख रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुम नीट एस्पिरेंट हो सत्रह लाख में से एक बच्चा तो तुम ही हो लेकिन वो सत्रह लाख में से तुम वो बच्चा हो जो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे पूरे चैप्टर में से एक वर्ड नहीं सीखना मुझे पूरे सिलेबस में से एक चैप्टर नहीं सीखना ये आपकी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड प्लीज गेट ओवर इट नाउ गेट ओवर इट ठीक है ये इतना बड़ा हवा मत बनाइए इस चैप्टर को ना ही अपने ऑर्गन्स को यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑर्गन्स एवरी इज क्रिएटेड ड्यू टू सम रीज़न ठीक है कोई भी चीज़ है बेटा किसी रीजन की वजह से क्रिएट हुई है तो खीखी खीखी खी, मुंह पे हाथ रखना बेटा दैट इज़ वेरी मच ओल्ड नाउ एवरी वन हैज़ इंटरनेट एवरी वन हैज़ कंप्लीट एक्सेस टू यूट्यूब आप जो सर्च करना चाहे वो सर्च कर सकते हैं जो चीज़ देखना चाहे वो चीज़ देख सकते हैं लेकिन आप जो चीज़ देखते हैं वो ना क्लासेस में रिफ्लेक्ट होती है कि आप लोगों की सर्च हिस्ट्री में क्या होगा मैं समझ सकती हूँ यस yes, कि आपकी सर्च हिस्ट्री में क्या है मेरे को पता चल गया है है ना उस बच्चे का मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर जिस क्योंकि वो खुद के नाम से नहीं आया होगा ये मुझे हंड्रेड परसेंट है वो किसी और के नाम से आया है बस उसका एक ही ज़िंदगी में काम है जहाँ पर ये चैप्टर चल रहा है वहाँ जाकर मुझे स्पैम करना है ये पता है वो बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास में अगर मैं सिनारीो देखूँ ये वो बच्चे हैं जो ऐसे क्लास में हाथ रख के एक दूसरे की तरफ हंस रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे होते हैं बिकॉज उनको एक ही लाइन से मतलब है उनको एक ही यू you नो know, उस पार्ट से मतलब है उनको बाकी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है बेटा डॉक्टर क्या एक पार्ट का बनता है या डॉक्टर एक चैप्टर पढ़ के बन जाता है अगर मेडिकल इस खुशी में लिया था कि हाँ ये पढ़ने को मिलेगा तो बेटा मेडिकल के साथ साथ गिफ्ट में ना फिज़िक्स भी आती है केमिस्ट्री भी आती है रेस्पिरेशन भी आता है एनिमल किंगडम भी आता है तो गिफ्ट वाली चीज़ें भी खानी पड़ती है वही बात होगी बेटा पार्टी पे गए तो थे कि हाँ बढ़िया चाउमीन मिलेगी चाउमिन के साथ बेटा गिफ्ट में बाकी सब भी मिलेगा वो सब भी खाना पड़ता है राइट तो प्लीज़ थोड़े बड़े हो जाइए प्लीज़ ठीक है डोंट बिहेव लाइक ट्वेल्व ईयर ओल्ड और थर्टीन ईयर ओल्ड किड दिस इज अ पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन एक्सेप्टेड दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यू विल फेस इट अभी जितना सीख जाएंगे उतना अच्छा है ना तो एक अच्छे डॉक्टर बने या फिर वो खीखी ही ही वाले बनने ठीक है आ देखो ओके okay, ओके okay. श्रेयसी ने सही पकड़ा है मैं किसको कह रही हूँ चलो बच्चे बाकी लोग खुश हो जाओ उसका आंसर भी आने वाला है और इसी बहाने तुम नीट के एक क्वेश्चन भी कर लोगे वो बच्चे का तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा राइट तुम्हारा कॉम्पिटिशन कम हो गया है बिल्कुल सही सुकन्या ओके हाँ जी चलिए आ जाइए मूविंग ऑन टू द एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज सराउंडेड बाय प्यूबिक हेयर इट इज़ सराउंडेड बाय अ फैटी टिश्यू क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हमको प्रोटेक्ट भी करके रखना है तो जो फैटी टिश्यू लेयर है और जो अपना प्यूबिक um, हेयर है दिज आर द प्यूबिक हेयर एंड दिस इज़ द फैटी टिश्यू दिस इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस इसको आप क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज

राइट सो दीज आर द आउटर फोल्ड्स विच आर कोल्ड एज लेबिया बिकॉज लिपलाइक है एंड द मचोरा ठीक देन अंदर की साइड में जाएंगे कुछ इनर लिपलाइक फोल्ड्स भी हैं राइट विच वुड भी लेबिया क्योंकि लिपलाइक है एंड माइनोरा ठीक तो लेबिया माइनोरा को मैं इस ट्राइबड दे देती हूँ एंड लेबिया मिचोरा आपकी बाहर वाली है अब लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के अंदर वाली साइड यस, इसको बेटा मैं यहाँ पर कलर दे देती हूँ ये जितना भी अंदर वाली साइड है वॉट एवर इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर दिस स्पेस द स्पेस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल ठीक है दिस स्पेस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल समझे तो ये जो स्पेस क्रिएट हुई है अंदर की साइड में इस स्पेस को आप लोग क्या बोलेंगे इस स्पेस को बेटा आप लोग बोलेंगे वेस्टिब्यूल ठीक है अब इस वेस्टिब्यूल के अंदर कुछ ओपनिंग्स हैं देर आर सर्टेन ओपनिंग्स इन द वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल के अंदर अगर मैं एंटीरियर ओपनिंग देखूंगी आगे वाली साइड पे जो ओपनिंग है वो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है जिसको आप क्या बोलेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग पीछे वाली साइड बेटा अगर मैं ओपनिंग देखूं, इसी वेस्टिब्यूल के अंदर यस yes. इसी वेस्टिबुल के अंदर देखेंगे तो बेटा यहाँ पर भी एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं विजाइनल ओपनिंग तो विजाइनल ओपनिंग मैंने पिंक से दिखाई है और ऊपर जो मैंने ओपनिंग दिखाई है वो यूरेथ्रा यानी कि किडनी से जो यूरिन आ रहा है वो यहां से निकलेगा देन थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर इस स्पेस के बाद बेटा एक और ओपनिंग है विच इज द ओपनिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनल ओपनिंग ठीक है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनल ओपनिंग तो लेबल करें सबसे पहले बेटा मैंने लेबल किया आउटर बिगर लिप लाइक फोल्ड्स एंड लिप लाइक फोल्ड्स दे आर कॉल्ड लेबिया मेजोरा तो ये हो जाएगा आपका लेबिया मेजोरा देन आते हैं बेटा अंदर वाले फोल्ड पे द इनर फोल्ड्स दे आर अगेन लिप लाइक दे आर कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा लेबिया माइनोरा लेबिया माइनोरा बेटा जहां पर ऊपर ज्वाइन होता है ना बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा लेट मी शो यू बाय दिस ये जो जंक्शन है यस दिख रहा है एट द पॉइंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा दिस प्लेस दिस इज द प्लेस ऑफ क्लिटोरिस वेरी सेंसिटिव रीजन इस जगह पर क्या प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस ठीक है ये बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू है ये इरेक्टाइल टिश्यू है ये स्पॉन्जी टिश्यू है अब आपने मेल्स में बेटा एक स्पॉन्जी टिश्यू पढ़ा था जो कि इरेक्शन का फंक्शन रखता था नेम दैट स्पॉन्जी टिश्यू नेम दैट ऑर्गन वेयर दिस स्पॉन्जी टिश्यू इज प्रेजेंट यस कहाँ प्रेजेंट है ये आपके पीनस में यानी कि मेल्स में जिस टिश्यू से पीनस बनता है फीमेल्स में उसी टिश्यू से क्लिटोरिस बनता है अगर ओरिजिन सेम होता है तो यस yes. हाँ जी फंक्शन यहाँ पर क्या है बेटा दोनों के डिफरेंट है फंक्शन यहाँ पर क्या है दोनों के डिफरेंट है पीनस इज़ देयर फॉर इंसेमिनेशन पार्ट जबकि क्लिटोरिस का इंसेमिनेशन से रिलेटेड कोई पार्ट कोई फंक्शन नहीं है ऐसे ऑर्गन्स को बेटा क्या बोलते हैं जब ऑरिजन इज सेम एंड फंक्शन इज़ डिफरेंट प्लीज़ टेल मी ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हाँ जी ऑरिजन इज सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट सच ऑर्गन बेटा दे आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूटली होमोलोगस ऑर्गन तो ये क्लिटोरस है ना दिस इज होमोलोगस टू पीनस होमोलोगस टू पीनस इनकेस ऑफ मेल्स की ओरिजन दोनों का सेम है दोनों स्पॉन्जी टिशू हैं दोनों इरेक्टाइल टिशू हैं दोनों हाईली सेंसिटिव इशू हैं सेंसिटिव टिशू हैं दोनों बेटा सेक्शुअल अराउजल पे काफी आ, एक्टिवेट हो सकते हैं बट फंक्शन दोनों का क्या है डिफरेंट है इसीलिए ये होमोलोगस है तो होमोलोगस टू पीनस देन आ जाइए बेटा ये अंदर वाली स्पेस में जैसा कि मैंने आपको बताया दिस इंटरनल स्पेस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल अंदर बेटा जो खाली जगह है इसको आप क्या बोलेंगे वेस्टिब्यूल जस्ट अ सेकेंड यस द इंटरनल स्पेस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल ठीक है वेस्टिब्यूल के बाद बेटा आपके पास ओपनिंग्स है ओपनिंग की बेटा अगर मैं बात करूं ऊपर वाली ओपनिंग क्या रहेगी आपके पास दिस इज गोइंग टू बी द यूरेथ्रल ओपनिंग हाँ जी ये कौन सी ओपनिंग है एंटीरियर ओपनिंग जहाँ से यूरिन रिलीज होगा एंड द लोअर वन द पिंक वन इज गोइंग टू बी द वेजाइनल ओपनिंग दिस इज गोइंग टू बी दिजाइनल ओपनिंग एंड लास्ट वाली मैंने आपको बताई है दिस इज द एनल ओपनिंग एनल ओपनिंग एंड जो बीच की स्पेस है ठीक है द बीच की स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरेनियम हां जी डन दिस इज द एक्सटर्नल जेनेटेरिया ऑफ फीमेल दिस इज द एक्सटर्नल जेनेटेरिया तो आप समझे कि फीमेल में तीन ओपनिंग होती है ठीक है एक ओपनिंग जहाँ से सिर्फ यूरिन रिलीज होता है यस दिस इज द ओपनिंग फ्रॉम वेयर ओनली यूरिन इज रिलीज दिस इज द ओपनिंग विच इज द विजाइनल ओपनिंग जहाँ से बच्चे का बर्थ होगा अगर नॉर्मल डिलीवरी है या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी ठीक है ये तो ओपनिंग किसकी है फीसिस के रिलीज होने की विच इज द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज एनस ठीक है तो मेल्स जैसा नहीं है मेल्स में क्या होती है दो ही ओपनिंग्स होती है एक होता है एनस ये दोनों ओपनिंग्स बेटा मेल में एक तरीके से जुड़ी हुई हैं जहां पर हम इसको यूरिनो जुनाइटल ओपनिंग बोलते थे डक्ट बोलते थे मेल्स, मेल्स में जहां से से स्पर्म्स से सीमेन आ आ आ रहा रहा है है वहीं वहीं स्पर्म्स रहे हैं यूरिन यहां पर ऐसा नहीं है यूरिन के लिए हमारे पास अलग पाथ है जिसके लिए यूरेथ्रल ओपनिंग है और रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी हैव अ डिफरेंट ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज वजाइना ओके यस <coughs> हां जी क्लियर सो दिस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया और द वल्वा ठीक है हाँ जी तो अब हो गया हमारा फीमेल फीमेल गया हमारा ख़त्म के बाद एक है बेटा करें सबने डायग्राम बना लिया डायग्राम बना लिया यस एक्सेसरी ग्लैंड इन फीमेल्स देखिए एक एक्सेसरी ग्लैंड तो आपके बजाइना के अराउंड है पर प्रेजेंट है देर इज वन एक्सेसरी ग्लैंड बेटा ऑन द आईदर साइड ऑफ वेजाइना देख रहे हो ये वेजाइना लोपनिंग है इसकी लेफ्ट और राइट साइड पर एक पेयर्ड ग्लैंड है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड ठीक है लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द वेजाइना लोफनिंग इसका वही काम है जो काउपर्स ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड का क्या काम बताया था ल्यूब्रिकेशन तो बेटा यहाँ पर जो बार्थोलिन ग्लैंड है ना उसका भी मेन काम क्या है ल्युब्रिकेशन है तो एक ग्लैंड तो मैं यहीं पर लेबल कर देती हूँ ठीक है तो देर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट ओवर हेयर ये ठीक दिस इज कॉल्ड एज द बार्थोलेंस ग्लैंड बार्थोलेंस क्लैंड तो ये बार्थोलिन का ग्लैंड का काम क्या है ल्यूब्रिकेशन करना तो भैया इसका काम बिल्कुल वैसा हो गया जैसा काउपर्स का है तो इसको बोल सकते हैं दिस इज होमोलोगस टू काउपर्स दिस इज होमोलोगस टू काउपर्स क्लैंड ऑफ मेल मतलब जिससे जिससे बेटा अब आपका जिससे आपका मेल्स में काउपर्स ग्लैंड बनता है उससे फीमेल्स में बार्थलिन ग्लैंड बनता है दोनों का काम क्या है आपका एक दैट इज लिब्रिकेशन यस ठीक है चलें आगे हाँ जी कल बेटा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और रूजेनेसिस करने हैं जितनी शिद्दत से आज इसको देखने आए हो उतनी शिद्दत से कल भी आना ठीक है क्योंकि क्वेश्चन उसमें से आना है क्वेश्चन इसमें से नहीं आना है राइट देन नेक्स्ट चलेंगे अपने मैमरी ग्लैंड पे नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड इज गोइंग टू बी मैमरी ग्लैंड ठीक है मैमरी ग्लैंड अब मैमरी ग्लैंड आप जानते हैं इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली मैमल्स सिर्फ मैमल्स में ही ये प्रेजेंट होगा और फंक्शनल मैमरी ग्लैंड मैमल्स में ही होते हैं और किसी में नहीं होते तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स जैसे बेटा Here, एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल का वैसे मैमरी ग्लैंड भी है एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल द फीमेल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन सब में होगा बिना एक्सेप्शन के होगा ठीक है काम क्या होता है मैमरी ग्लैंड का आपको पता है यार जो आ, अगर हम आए मैमरी ग्लैंड में तो मैमरी ग्लैंड वुड बी प्रेजेंट इन दो ऑर्गेनिज्म फंक्शनल इन दो ऑर्गेनिज्म जो कि वीवी पेरस है वीवी पेरस यानी कि जो बच्चे को जन्म देंगे बच्चे को जन्म देंगे तो उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट फीडिंग की रिक्वायरमेंट ठीक है नरिश करने की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा मैमरी ग्लैंड सो मैमरी मैमरिक्ल विल प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश द यंग वन ठीक है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा दे आर प्रेजेंट इन ऑल द मैमल्स बट जगह अलग अलग हो सकती है कुछ में बेटा थोरासिक रीजन में प्रेजेंट है ये थोरासिक रीजन है उसके नीचे एब्डोमिनल रीजन होता है कुछ में एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है कुछ में दोनों जगह ही प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो मैमरी ग्लैंड इट इज द फीचर ऑफ मैमल्स हमारे में जैसे बेटा इसकी लोकेशन क्या रहती है थोरासिक प्रोमिनेंस थोरासिक प्रोमिनेंस समझते हो थोरासिक रीजन पर प्रोमिनेंट है अगर मैं काउ के देखूँ काउ में अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे वाले हिस्से में दैट इज एबडोमिनल रीजन में अगर तुम लोग रैट्स देखोगे रैट्स में बेटा दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं आपके थोरासिक रीजन पर भी होते हैं एबडोमिनल रीजन पर भी होते हैं ठीक है लेकिन हमारे में कैसे हैं थोरासिक प्रोमिनस ठीक है तो सेक्शन ले के देखते हैं मैमरी ग्लैंड का कि क्या क्या टिशू है एक्चुअली में मिल्क कहाँ बनता है और वो मिल्क बॉडी से बाहर किस तरीके से आता है सो लेटस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मैमरी ग्लैंड ठीक है हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे बेटा जी ये ब्यूटीफुल नोट्स आपको कहाँ पर मिलते हैं ये मिलते हैं मेरे टेलीग्राम पर टेलीग्राम है मेरा विद द नेम सीप पाहुजा बायोलॉजी सब बच्चे नोट कर लीजिए जो ये ब्यूटीफुल से नोट्स लेना चाहते हैं मैं रोज़ नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ राइट आफ्टर द क्लास या फिर टी डॉट मी स्लैश सीप मैम ठीक है आप सीप पाहुजा बायोलॉजी डालिए टेलीग्राम पर या फिर टी डॉट मी स्लैश सीप मैम डालिए आपको इन दोनों जगह पर नोट्स मिल जाते हैं राइट तो जो बच्चे नहीं एडेड हैं वो अभी के अभी एड हो जाएं आपको पुराने नोट्स भी वहाँ पड़े हुए मिल जाएंगे फाइल सेक्शन में और नए भी मिल जाएंगे मेरी सारी क्लासेस का अपडेट भी वहीं पर आता है ठीक है सारी क्लासेस का अपडेट भी वहीं पर आता है ओके यस हाँ जी चलिए आ जाइए सो ड्रॉ करते हैं बेटा सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड ठीक है नाउ मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोब्यूल्स मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं पंद्रह से बीस मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं तो ये मैं यहाँ पर दो ही बनाऊंगी बट एक्चुअली में पंद्रह से बीस मेमोरी लोब्यूल होते हैं ठीक है ये बेटा क्या प्रेजेंट है आपके मेमोरी लोब्यूल समझ रहे हो राइट अब बेटा द साइज ऑफ मैमरी ग्लैंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट फीमेल वो डिपेंड करता है कि मैमरी ग्लैंड के अंदर कितने फैट्स हैं कितना अमाउंट ऑफ फैट है तो जिसकी बॉडी में बेटा जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा साइज बेटा मैमरी ग्लैंड का बड़ा होगा तो ये मैं क्या बना रही हूँ फैटी लेयर बना रही हूँ यहाँ पर जस्ट अंडरनीथ द एपिथीलियम दे हैव गॉट द फैटी टिश्यू ठीक तो ये है फैटी टिश्यू मोर द अमाउंट ऑफ फैट मोर विल बी द साइज ऑफ द मैमरी ग्लैंड ठीक है अब बेटा ये क्या बनाया मैंने आपके सामने दिस इज द मैमरी मैमरी लोब ये क्या है आपके सामने बेटा मैमरी लोब है मैमरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके एक्चुअली में जहां पर मिल्क बनता है मिल्क सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एस एलवीओ तो एलवीओ क्या है एलव बेटा यहां पर प्रेजेंट होता ये है ये एलव ठीक है ये एल्व है यहां पर मिल्क बनाने वाले सेल्स हैं These are alveoli. These are alveoli, ठीक है यस yes. एल्व्यूलाई से क्या निकलेगी मैमरी डक ट्यूल्स निकलेगी और क्या निकलेंगी मैमरी डक निकलेंगी ठीक है ये मैमरी डक बेटा आपस में जुड़कर एम्प्यूला बना लेगी ठीक है बल्ज आउट सा स्ट्रक्चर बना लिया एंड अल्टीमेटली इन्होंने लैक्टिफेरस डक्ट बना के बाहर निकल लिए ठीक है एक लोभ से एक ही लैक्टिफेरस डक्ट बाहर निकलेगी याद रखना है आप यहाँ पे नोटिस करो चाहे दो एलव आए हैं दोनों ने मैमरी डक्ट बनाई मैमरी डक्ट बेटा आगे आई दोनों ने एक एम्पिला बनाया और एक ही लैक्टिफेरस डक्ट बाहर आए ये सेम विल हैपन ओवर हेयर यहाँ से भी बेटा मैमरी डक्ट निकली ठीक है मैमरी डक्ट्यूल्स हैं मैमरी डक्ट है ठीक है मैमरी डक्ट ने यहाँ पर क्या बनाया एम्पिला बनाया और एम्पिला के बाद यहाँ से क्या निकलेगी लैक्टिफेरस डक्ट निकलेगी यानी कि अगर 15 से 20 लोब है हमारे पास ऐसे लोब बेटा अगर 15 से 20 हैं तो 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट है लैक्टिफेरस डक्ट बेटा मिल्क को बाहर लेकर आएगी और बाहर की साइड पे जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज निपल दिस ओपनिंग बेटा जी इज कॉल्ड एज निपल ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं निपल बोलते हैं निपल के अराउंड का एरिया इज लिटिल बिट डार्क यस द एरिया अराउंड निपल इज़ लिटल बिट डार्क एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज एरियोला इसको हम क्या बोलते हैं एरियोला विच इज द डार्क एरिया अराउंड निपल्स ठीक है यस yes, तो बाकी इससे को भी लेबल कर लेते हैं सबसे पहले अपने पास क्या है बेटा मैमरी लोब्स हैं याद रखना है नंबर मैमरी लोब्स हैं कितने पंद्रह से बीस 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर अपने पास ये क्या प्रेजेंट है दीज आर द एल्विलाई एल्विओलाई एल्विलाई से क्या निकली मेमोरी डक्ट इस मेमोरी डक्ट ने आगे जाकर क्या बनाया एम्प्युला ये पाथवे ऑफ मिल्क देख लीजिए एम्प्युला आगे जाकर क्या बनाएगा लैक्टिफेरस डक्ट मेमोरी डक्ट चाहे एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन डक्ट जो एक लोब में से निकलेगी वो कितनी होती है ओनली वन होती है अब ये पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड को बेटा पीछे से सपोर्ट मिल रहा है पीछे क्या प्रेजेंट है एक मसल है मसल प्रेजेंट एट द बैक यहां पर बेटा एक मसल प्रेजेंट होती है दिस मसल इज कॉल्ड एसपेक्टोराल मेजर पेक्टोरालिस मेजर इसके पीछे रिब्स होंगे और रिब्स का सपोर्ट होगा दिस इज पेक्टोरालिस मेजर और उसके पीछे आपके रिब्स प्रस्तुत होंगे ठीक और ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है दिस इज गोइंग टू बी द फैट्स ये मैंने क्या बनाया है बेटा फैटी लेयर ठीक तो अगर मैं पाथवे ऑफ मिल्क बनाऊं, तो क्या होगा मिल्क का बेटा पाथवे क्या होगा कि कहाँ से बना और कहाँ से निकल रहा है तो पाथवे बेटा तुमको पता है शुरुआत कहां से करोगे एलवियोलाई से करोगे तो करिए एलवियोल से So, सबसे पहले बेटा मिल्क की अगर बात करें बना कहाँ पर एल में एल्विओलस एक ले लेते हैं एलवीओलस बेटा इसको कहाँ पर भेजेगी मैमरी ट्यूब्यूल्स में छोटी छोटी हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाई नहीं है क्योंकि वो दिख नहीं दिखती नहीं है इतने बड़े व्यू में मैमरी ट्यूब्यूल्स के बाद बेटा क्या आ जाएंगी मैमरी डक्ट्स मैमरी डक्ट्स बेटा दे विल ओपन इन टू एम एम्पिला विल ओपन इंटू लैक्टीफेरिस डक्ट and एंड लैक्टिफेरस डॉक्टन इन टू नेपल ठीक क्लैरिटी पता चल गया आपको इसमें से कहीं भी ब्लैंक आ सकता है बेटा जी कहीं भी ब्लैंक आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए एलविओलस उसके बाद टिब्यूल टिब्यूल के बाद डक्ट देन लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन मूविंग ऑन टू द आर आल्सो कॉल्ड एज टीट राइट बेटा जी अब ग्लैंड एक्चुअली में कौन सा ग्लैंड था बेटा ग्लैंड आप मानेंगे नहीं इट इज एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड यस इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जिसका काम है मिल्क बनाना और मिल्क को इजेक्ट कराना मिल्क बनाना और मिल्क को इजेक्ट कराना अगर बात करें हार्मोनल कंट्रोल की तो इसमें मिल्क बनवाता कौन है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन वाइल्ड द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन तो दो हॉर्मोन्स का मेन रोल है एक होगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क हाँ जी अगर बात करें बेटा फॉर्मेशन की तो फॉर्मेशन होती है एल्वियोलस में अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है पता ना इंजेक्शन की बात करें इंजेक्शन ऑफ मिल्क इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन ंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज बाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो ये दो हॉर्मोन्स के बारे में भी याद रखना मैंने यहां लिख दिया बॉक्स में हांजी कर लिया ये देख लीजिए ठीक है डन है हॉर्मोनल कंट्रोल भी आपको पता चल गया ऑक्सीटोसिन से सिर्फ इजेक्ट होगा तभी इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं प्रोलैक्टिन से बनता है ठीक है मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है अगर आपको याद ना हो तो मैं एक चीज़ और याद करा दूँ साढ़े सात बजे यहाँ पर आपकी एक क्लास है जो कि मैंने पिन करा दी दिख रही है चैट सेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का बेटा जी टेस्ट है वो टेस्ट कोई नहीं छोड़ेगा ठीक है सबने अटेंड करना है और मैंने एवोल्यूशन का टेस्ट भी आपका कल लगा दिया है तो कल आपका एवोल्यूशन का टेस्ट है आज साढ़े सात बजे टेस्ट है प्लीज़ इसमें एनरोल कर लीजिए फटाफट से अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो अगर किसी के पास नहीं है क्योंकि ये क्लास प्रैक्टिस क्लास मेरी रोज़ होती है फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन होती है अन की ऐप पे तो डाउनलोड करते वक्त या एनरोल करते वक्त कोड पूछे तो कोड डाल देना सीप लाइव मेरा नाम है सीप आगे क्या लगा देना है लाइव यस yes, सपने कर लिया है साढ़े सात बेटा साढ़े सात का क्या टाइम होता है साढ़े सात को सेवन थर्टी बोलते हैं सात बज के तीस मिनट पर ठीक है एवोल्यूशन का कल है ठीक है एवोल्यूशन का क्या है कल है विद दिस बेटा जी वी आर डन विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है कैसे लग रहे हैं नोट्स अमेजिंग हाँ जी यस yes, ये बेटा आपका फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे सी पाऊजाबाले जी के नाम से मिल जाएंगे ओके okay. हाँ जी तो अब मिलते हैं क्या काम करके आएंगे होमवर्क क्या करेंगे बताइए अच्छा एक गुड न्यूज मुझे देनी थी तुमको एक गुड न्यूज तो मैंने चार बजे दे दी थी दो गुड न्यूज है बेटा दो गुड न्यूज लेते हुए जाना एक गुड न्यूज़ ये है कि जो फोर्टी परसेंट ऑफ का वन इन मिलियन ऑफर था फोर्टी परसेंट ऑफ बेटा आज तक अन अकेडमी नहीं हुआ अब आपको मिल रहा है दोनों गुड न्यूज लेकर जाना रुक जाओ यार अगली वाली गुड न्यूज बहुत काम की है ये वाली गुड न्यूज उनके लिए काम की है जो सच में पढ़ाई करना चाहते हैं जो सच में एक फ्रीडम चाहते हैं जो सच में सारे टीचर्स को लेना चाहते हैं जो सच में सबके नोट्स चाहते हैं लेकिन चाहते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे तो थर्टी एंड फोर्टी ऑफ है थ्री मंथ्स एंड सिक्स मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर लेकिन ये ऑफ सिर्फ कल तक है लेकिन बेटा ये ऑफ सिर्फ नाइनटीन सॉरी परसों तक है नाइनटीन ऑफ फेब्रवरी तक ही ये ऑफ है तो अगर करना चाहते हो तो यार कर लो दो दिन है पेरेंट्स को कन्विंस कर लो वहां पर मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है नीट क्लोरी नाम से ठीक है तो कोड क्या लगाना है बेटा आपको सीप लाइव लगाना है अब ये कोड लगा के ऐसा नहीं है सिर्फ बायो दिखेगी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सारे टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री के देखेंगे यानी कि जितने भी बैचेस तुम देख रहे हो मेरा बैच है बाकी ये सारे बैच है बेटा सब दिखेंगे तुमको हाँ जी दूसरा बेटा मुझे आपको बताना था कि देयर इज वन मोर गुड न्यूज़ फ्रॉम टुमारो एंड द वन मोर गुड न्यूज़ इज दैट ओ एच सेशन आर बैक किस को याद है कि ओ OH एच क्या होता था अब यह मत कह देना हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है ओ एच से एंगेजमेंट हो गई है ये मतलब मैं यहां पर ऐसे गुड न्यूज बताऊंगी कि हाँ बच्चों रुक जाओ आई एम एंगेज ना हो पॉलिकल्स कर पढ़ा देंगे वैष्णवी कल हमने ओ जेनेसिस करनी है ना उसे के साथ पॉलिकुलर जेनेसिस कर लेंगे हाँ जी ओ एक्स सेशन आर बैक एंड दे आर बैक विद द बैंक जिसको पता है बेटा ओपन हाउस सेशन कल से हर यूट्यूब क्लास के बाद मेरी स्टार्ट हो जाएंगे एंड उन ओपन हाउस सेशंस में अब जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं भी है वो भी बात कर सकता है पहले बेटा देर वॉज ग्लिच गोइंग ऑन जिससे आप बात नहीं कर पा रहे थे सिर्फ प्लस और आइकॉनिक वाले कर पा रहे थे बट कल से जो ओपन हाउस होंगे यू गाइज कैन ऑल्सो टॉक टू मी दिस इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी दिस इज गोइंग टू बी समथिंग अनइमेजिनेबल आज तक ऐसा ऑफलाइन में ऑनलाइन में नहीं हुआ था जिसमें एक नॉन सब्सक्रिप्शन वाला बच्चा भी टीचर से एक्चुअली में बात कर पाए थैंक्स टू अन अकेडमी एंड थैंक्स टू द टीम जिसने हमारे सजेशंस पर ये अमेजिंग प्रोडक्ट निकाला है जिसमें आप सब सब मतलब सब बात कर पाएंगे लेकिन ये सेशन का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूट्यूब में तो यूट्यूब की क्लास मिस नहीं करनी है कल अपने लोग साढ़े पाँच बजे मिलेंगे एंड साढ़े पांच बजे अपने ओपन हाउस सेशन में डिस्कस साढ़े पाँच से साढ़े छः यहाँ पर क्लास लगाएंगे साढ़े छः से तकरीबन सात बजे तक हम लोग ओपन हाउस में जिसका भी डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे और ये रोज होंगे ठीक है ये सेशन रोज होंगे रोज होने का मतलब है कि आप एवरी डे आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एक दिन नंबर नहीं आएगा दूसरे दिन आएगा ऑफकोर्स आएगा ठीक है ये सर दिस इज गोइंग टू बी समिंग रियली गुड तो इसके लिए पहले से बेटा जो पहले तैयारी करके रखेगा उसका पहले नंबर आएगा तो पहले तैयारी आपको ये करनी है कि अन अकेडमी की लर्निंग ऐप में जाकर मुझे फॉलो कर लेना है ताकि मेरा ओपन हाउस सेशन मिस ना कर पाओ और इसका लिंक बेटा मैं आपको शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे तो फॉलो जरूर कर लेना फॉलो करोगे तभी मेरा ओपन हाउस आपको दिखने लगेगा ठीक है सब बच्चे मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मुझे फॉलो कर लीजिए बाकी कॉम्बैट आने वाला है कॉम्बैट बेटा ट्वेंटी एथ फाइव को होने वाला है तो बेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है साथ ही में इस बरी के कॉम्बैट में आप लोग बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो जैसे मैकबुक है सैमसंग का टैब है वॉच है जे बी एल स्पीकर हैं पाँच सौ विनर्स को बेटा एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे और मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे तो ये है आपका सिलेबस मुझे लगता है मैंने कराया हुआ है सब कुछ है कि नहीं क्या मेरी क्लास में से सारे कॉम्बैट के विनर्स नहीं बन सकते हैं ये देख लो बेटा सिलेबस इतना आसान सिलेबस है तुम्हारा फटाफट से स्क्रीन ले लो और सब बच्चे संडे को ग्यारह बजे टेस्ट लिखेंगे लिंक मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम पे संडे को सब बच्चे ग्यारह बजे टेस्ट लिखेंगे 28 एट क्वेश्चन मिनट और अमेजिंग गिफ्ट और ये सिलेबस है आसानी से कवर कर सकते हो आसानी से बेटा कवर कर सकते हो इलेवंथ ट्वेल्थ और थर्टीनथ के लिए अलग अलग पेपर है तो एलेवंथ का ये सिलेबस है ट्वेल्थ का ये है एंड ड्रॉपर्स का ये थर्टीन यानी कि ड्रॉपर ठीक है थर्टीन यानी कि ड्रॉपर तो एक पढ़ लेना यार माइक्रोप नहीं हुआ तो पढ़ लो कोई बात नहीं रीड करके भी दे सकते हो माइक्रोप तो बहुत आसान चैप्टर है बाकी बेटा अन अकेडमी का टेस्ट सीरीज आ चुका है अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज अलग से खरीद सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जिसको हन अकेडमी लाइट बोलते हैं यू ए लाइट कोड क्या लगाना है आपको खरीदते वक्त सीप लाइफ जिससे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकी टेस्ट सीरीज मिलेगी ठीक है ओके चलिए मेरे बेटा बॉटनी के सेशंस भी चल रहे हैं आज हमने बहुत अमेजिंग तरीके से मिनरल न्यूट्रिशन किया था क्या आपने अटेंड किया क्या आपने आज मिनरल न्यूट्रिशन का वो अटेंड किया था डिड यू और डिड यू नॉट अटेंड मिनरल न्यूट्रिशन एन सी आर टी रीडिंग टूडे बिकॉज आज का एन सी आर टी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग जो मैंने आज तक नहीं कराया समथिंग जो एन सी आर टी के नाम पर कोई नहीं कराता है yes. बेटा आज वाला एनसीआर जरूर जाकर देखना तीन बजे जो मैंने सेशन लिया था ये बॉटनी के सेशन बेटा मिस मत कर आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हैं मिनरल तक हमने कर लिया है ठीक है यस चलिए तो लिंक ट्री का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मेरे सारे सेशन है प्ले है प्लस उनकी पीडीएफ है और टेलीग्राम पर भी है बाकी बेटा जब सब्सक्रिप्शन लें तो कोशिश करें कि आप आइकॉनिक लें क्योंकि आइकॉनिक में आपको वन टू वन मेंटोरशिप मिलती है तो आई एम वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पैनलिस्ट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो पूरी मेंटोरशिप रहेगी तो ये सीप लाइव यूनिवर्सल कोड लगाइए सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स सारे बैचेस का आप ले सकते हैं और प्लीज यार लेना हो तो कल रात तक ले लेना आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट एनी मनी क्योंकि कल रात तक आप कल नहीं परसों रात तक नाइनटीन ऑफ वेब तक आपके पास फोर्टी परसेंट का ऑफ रहेगा जो कि पहले कभी नहीं आया है बाकी मिलते हैं साढ़े सात बजे ठीक है सेवन थर्टी एल सी यू क्लास मैंने पिन करा दी है सब बच्चे सीप लाइव कोड यूज करके पहुंच जाना क्लास में ओके चलिए बाय बाय एवरीवन टेक केयर हाँ अब कर लो बेटा स्पैम अब जितना स्पैम करना कर लो सेशन अच्छा लगता है तो बेटा लाइक भी किया करो ऐसे मत दौड़ जाया करो ठीक है लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये सिर्फ मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि मैक्सिमम जनता इस तक पहुँच पाए जो जिन्होंने नहीं देखा है जिनका मिस हो गया है एंड यस डू लीव अ कामेंट इन द कॉमेंट बॉक्स आफ्टर द सेशन कैसा लगा आपको ठीक चलिए बाय बाय